बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसद अजय मंडल को अपना निशाना बनाया है। लगातार हम देख रहे हैं कि वो अजय मंडल पर कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जो बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखिए ना, एक बार फिर से वो अजय मंडल पर हमलावर देखे और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अजय मंडल अफीम की खेती करते हैं, वो झारखंड में जाकर शराब पीते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा आप सुनिए। और हमारे निकट आए, वो पैर छू के प्रणाम किया। हम बोले अजय आशीर्वाद देते हैं भाई, तुम सिंबल लेके आ गया, चुनाव अब जीतने जीत गया। हम बोले अब की बार पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, अगला बार संसाधन हमको दिए नहीं, बैठे रह गए। हमको बोला भैया चलिए आप गाड़ी, हमें गाड़ी खराब है तो दे दीजिए थी में गैरेज में। हम दे दिए टाटा शोरूम में बनने के लिए वर्कशॉप में, वो गाड़ियों ने दिया, हम बैठे रह गए। हम अपने लड़के का गाड़ी लेके कहीं कहीं जाते थे, तो इनको भी निकलना था। ये तो खुलेआम उनका प्रचार किए आशीष भारती, और हम तो क्या कहा जाए, हम तो बैठे रह गए। और कोई ये नहीं कह सकता है गोपाल मंडल ने विरोध किया, अजय मंडल को सिंबा ए मत नहीं दीजिए। लेकिन उनको किंतु परंतु है, उनका सोच रहता है कि हमारे जात समुदाय में या हमारे संपर्क वाले आदमी को वो जिला पार्षद नहीं बने, वो मुखिया नहीं बने, वो प्रमुख नहीं बने, पंचायत समिति नहीं बने, नहीं तो टिकट मांगेगा। टिकट मांगने के दौर में सबका होता है, हम उनसे वरिष्ठ लोग हैं, उनसे इस मामले में राजनीति में वरिष्ठ हैं। तो टिकट आधार पे तब वो कह दिए कि आप झारखंड का पानी? नहीं नहीं बतवाइए, हम तो कसम खाए भाई, ना पीने देंगे ना पिएंगे। तो फिर झारखंड का पानी कहाँ, पूर्ण रूप से बिहार बंद है। वो सांसद तो यहाँ दारू रहता है, और एक बात सुन लीजिए, हम भूल गए थे, वो खुद अपने जमीन में ट्रैक्टर टेलर पर दारू पैदा करते थे, पॉलिथीन बना के बेचते थे, हफीम का खेती करते थे, कोरिया धागा का काम करता था। और उन्होंने यहाँ तक कि हम मुख्यमंत्री को बोले हैं, जब लालू जी के साथ आप थे मुख्यमंत्री जी, लाइन नहीं रहता, 55 किलोमीटर तक वो तारे काट के बेच लेता था। और जहाँ जो पटरी सब जो तराता है जिस पर गाड़ी चलती है, कहीं स्टेशन के निकट पड़ा हुआ है तो रात में उसको कटिंग करके और उठा के लोड करके उसको गला के बेचता था। किस समय की बात बोल रहे हैं? ये सांसद बनने के पहले, सांसद बनने पर इनका विधायक रहते हुए ऐसा करते थे। हाँ विधायक, पहले विधायक, हाँ पहले पहले विधायक के पहले की बात है, विधायक बनने के बाद भी गलत करते रहा। जब सांसद बने वो तो उन्होंने इतना किया, ओवरलोड गाड़ी चलवाने का काम किया, पासिंग का काम करते थे, वो अभी भी ये सब काम करते हैं। क्या लगता है इसी वजह से आपके बारे में ऐसा बोला गया उनके द्वारा कि आप भी वसूली का आरोप लगाए थे उनके ऊपर? हाँ हाँ, तो हम लगे भी करते हैं, हम तो सही बात बोलते हैं, ये सब बात है। वो उनमें मतलब दुनिया भर गलती भरा हुआ है, दूसरे को गलत कहते हैं। अरे वो पिए नहीं, ये हम देखने कोई जाता है, शराब बंदी है तो शराब लाएगा यहाँ कहाँ? तो वो तो दारूए खुद बनाते थे ना, पॉलीथीन बना के बेचते थे, तो जो पॉलीथीन बना के बेचेगा तो क्या दारू को सूंघेगा? धंधा उनका है और उनके कुल खानदान ने ऐसा करते आया, पिताजी से लेके भाई जो भी रिलेशन के भगना भगनी सबने एक काम करता है। आप भी जदयू से हैं, वो भी जदयू से हैं, है ये दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा कोई हम विरोध नहीं करते हैं। उन्होंने गलत सही आरोप लगा, इसलिए हम उसका सफाई कर रहे हैं। वो ये भी बोले हैं कि गोपाल बाबू जो है वो बहुत अच्छे आदमी है, हम अच्छे व्यक्ति तो है ही है, लेकिन झारखंड का पानी काहे दे दिया? व्यक्ति तो अच्छे अच्छे नहीं तो दो बार। सांसद अजय मंडल आप पे बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि आप झारखंड का पानी मंगा कर पीते हैं, क्या कहिए? ये सब बात नहीं है, हम लोग तो बिल्कुल झारखंड का, उन्होंने छिपा के बोला झारखंड का पानी बोले, हम क्लियर उसको बोलते हैं झारखंड का शराब वो लाके सेवन करते हैं ये लोग। तो बतवा ये है कि हम लोग पूर्ण रूप से विधानसभा में सत्र के क्रम में कसम खा लिए, ना पिएंगे ना पीने देंगे, और सही बात बोलते हैं, और ना पीते हैं, पीने वाले को पकड़वाते हैं। इसमें हमारा चचेरा भाई शराब में पकड़ा गया,
बिल्कुल हम बोले कि इसको जेल भेजिए, जेल भेजिए। हम उसमें हम बड़ा ईमानदार आदमी हैं और ठोस विचार का आदमी है, वो आरोप लगाते हैं तो बड़ा गलती काम करते हैं और कहते हैं इनका वंशजे गड़बड़ है, हमारे पिताजी कभी दारू का मुंह नहीं देखा है, क्योंकि गरीब आदमी हम लोग गरीब तबके से आए हैं और संघर्ष करते करते जगह पर आए हैं। हमारा बेटा साथ में बैठा हुआ है, छोटा बेटा आशीष, ये देहरादून में पढ़ते थे, वहाँ से आए हैं, अभी MA एडमिशन लिए हैं यहीं पर, चूँकि वो बैरिस्टर बनना था, हम के लिए पढ़ो सीधा, तो बिजनेस भी करते हैं, कुछ काम भी करते हैं और दूसरी बात ये होटल का भी काम करते हैं, अपना होटल चलाते हैं, ये सुपारी तक नहीं खाते हैं और पुरिया खाने वाले को जो इनके साथ में रहता है उसको होटल से निकाल दिया जाता है। तो हमारा कुल खानदान कहाँ खड़ा, हमारी पत्नी पीती है, हमारा बड़ा बेटा पीता है, सो बात नहीं है। हम लोग चूँकि गरीब तबके के लोग हैं तो सोच समझ के चलते हैं, हमारा कहीं नामो निशान नहीं था हम MLA बनते, लेकिन स्टूडेंट लाइफ से हम संघर्ष करते आए हैं, आगे बढ़ के बोलते आए हैं, ये बोलने के क्रम में हम जगह पर आए हैं। विस्तार लंबा हो जाएगा इसलिए लंबा नहीं करना चाहते हैं, हम अपना इतिहास बताएंगे, अजूबा इतिहास है। अजय मंडल हमारे कैटेगरी में नहीं है, उनको तो ये सब बोलना ही नहीं चाहिए, चूँकि उनको सांसद मैंने बना दिया, 40,000 से लीड कराए गोपालपुर में, मुख्यमंत्री के सामने बोले थे। हमारी पत्नी है, दो बार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन बनी है 10 साल तक, हमारा बेटा आशीष भारती है जो युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष है, हम हैं बुलो मंडल आगे, अजय मंडल मिला के 5, तो चुनाव तो जीत ही जाएगा, कोई हरा ही नहीं पाएगा, और गोपालपुर से लीड दिलाएंगे। गोपालपुर से 40,000 से लीड दिला है, कभी उसका सूरत भी नहीं देखा था गोपालपुर की जनता, कोई भी भागलपुर पार्लियामेंट के कोई जनता उनका मुंह नहीं देखा था, वोट दे दिया नरेंद्र मोदी के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर, चुनाव जीत गए। अब की बार हम विरोध नहीं किए हैं, सबको बोलता 4 लाख पार 4 लाख पार, हमको नहीं, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, चूंकि अपने जाति समुदाय में नहीं घुमा है, मंडल कम्युनिटी में नहीं घुमा है, पहले संपर्क करें और कार्यकर्ता जो इनसे भेंट कभी मुँह सुखा के बैठे हुए हैं, इनको साधन मुहैया करे, गाड़ी दे, इनको पैसा दे, ये हम बोले हैं।